हमारे चैनल में नए, देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। इन्फोसिस आईटी सेक्टर की ज़बरदस्त कंपनी, अपनी इंडस्ट्री में वो सेकंड नंबर पे है और उसके Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, आ चुके हैं और डिविडेंड भी कितना घोषित किया है आइए हम बताते हैं। एक पहले न्यूज़ पढ़ देता हूँ मैं शॉर्ट में क्या न्यूज़ में कल निकला था। इन्फोसिस अनाउंसेस डिविडेंड ऑफ RS 10.50 रुपये पर शेयर, जिसके पास एक शेयर मान लीजिए उदाहरण के लिए तो उसको 10.50 रुपये मिलेंगे टैक्स फ्री, सीधे खाते में जाएंगे भाई, उसके डीमेट अकाउंट में भी नहीं, उसके सीधे अकाउंट में जाएंगे सेविंग या जो भी है। इन्फोसिस कंट्री सेकंड लार्जेस्ट आईटी मेजर ऑन फ्राइडे रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ RS 10.50 रुपये पर शेयर ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड March 31। द कंपनी रिपोर्टेड 10.51% ईयर ऑन ईयर राइज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एट RS 4078 crore फॉर मार्च क्वार्टर अंडर रिव्यू अगेंस्ट RS 3690 crore लास्ट ईयर। बॉटम लाइन जम्प्ड 12.96% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज 19.11% ईयर टू ईयर टू RS 21,539 crore इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2019 अगेंस्ट RS 18,083 crore इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2018। द डिविडेंड पेमेंट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द एनशूइंग एनुअल जनरल मीटिंग विच इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन June 22, 2019। चलिए देख लेते हैं हम इसके रिजल्ट्स। हम आ चुके देखिए 2018 से March 2019 के क्या चेंजेस आए हैं। तो December 18 में 21,000 नेट सेल्स में 21,400 crore की जो नेट सेल्स थी वो हो गई है March 19 में 21,539 crore, मतलब चेंजेस कितना हुआ 0.65% अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखिए 3.83% की अपसाइड है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी 12.88% की ज़बरदस्त अपसाइड है और मार्जिन OPM में भी यहाँ पे 0.73% की अपसाइड है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें स्टॉक के बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाया था इन्फोसिस पे ही, और किस बेस पे बनाया था कि ये एक मल्टी बैगर है और वो क्यों है वो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा और थोड़ी देर में आपको एक पॉपअप दिखेगा वीडियो में, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें से सारी वीडियो की डिटेल्स आ जाएगी कि कैसे बोनस के द्वारा उसने आपके पैसे को कितने गुना कर दिया है, बोनस की ताकत, बोनस की पावर। अदरवाइज चलिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और। इन्फोसिस लिमिटेड April 12, आज तो 13 है लेकिन आज सैटरडे है तो मार्केट बंद है, और कल जो BSE पे इसका लास्ट प्राइस था 747.85 रुपये 52 वीक लो बनाया था इसने 551 रुपये, हाई था 773 के आसपास ही अपने हाई के। तो मैं बता रहा था कि ये जो प्रीमियम है ना, इसका जो प्राइस है, शेयर का प्राइस है, जो भाव है 747, अगर ये कंपनी आपको डिविडेंट ना दे, साल में 2-3 बार तो डिविडेंट देती, ये आपको डिविडेंट ना दे, ये आपको बोनस ना दे, ये स्प्लिट ना हो, ये राइट्स रेशियो ना दे, या जो भी ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोनस के द्वारा, डिविडेंड के द्वारा जो भी शेयर करती है, देती है, प्रॉफिट शेयर करती है, तो ये जो प्राइस आपको 747 रुपये दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये नहीं होता, क्योंकि उसी हिसाब से प्राइस एडजस्ट होता है। बोनस देती है तो करेक्ट होता है प्राइस उस हिसाब से, उसकी अर्निंग पर शेयर, उसका प्रीमियम, सारा कुछ जो है एडजस्ट होकर तब ये आपको इतने भाव पर मिल रहा है। अदरवाइज़ ये 20,000, 25,000, 50,000 जब से दे रही होगी उस समय से लेके, जैसे MRF का क्यों इतना महंगा है, MRF आपको बोनस अभी नहीं दे रहा है, MRF अपनी वो फेस वैल्यू भी कम नहीं कर रहा है, तो होता क्या है कि इसलिए उसका प्रीमियम बढ़ा हुआ है। तो इसलिए ये अभी आपको गुड एक्सेलेंट क्वालिटी कंपनी सस्ते भाव में, क्योंकि इसके शेयर्स के काफ़ी प्राइस, शेयर का जो प्राइस है वो करेक्ट कर लिया है तो आपको इतने लो प्राइस पर मिल रहा है। एनीवेज ये देखिए अभी यहाँ पे 2018 में सितंबर 4 को इसने बोनस दिया था, जिसके पास एक शेयर था उसके दो हो गए थे, एक पे एक,
100 शेयर थे 200 हो गए, मतलब डबल हो गए जितने जिसके पास शेयर्स थे। और इतनी बड़ी कंपनी है, देखिए मार्केट कैप इसका 326,730 करोड़ की, अर्निंग पर शेयर है 34.38 की, पी है 21.75 की, इंडस्ट्री पी है 24.30 की, बुक वैल्यू 148 की, प्राइस टू बुक है 5.03 की, फेस वैल्यू है 5 की, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और डिलीवरेबल है 36.74% की। चलिए हम देखिए डेट, इतनी बड़ी कंपनी डेट ज़ीरो है, कोई कर्जा नहीं इस कंपनी पे। और हम आ चुके देखिए यहाँ पे, ये तो हमने बता ही दिया आपको। और बाकी प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है 12.82% की है और एक भी शेयर गिर भी नहीं है। और LIC इसकी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर कंपनी है, 6.21% की है। तो ज़बरदस्त LIC को यहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनी में पैसे डाल के रखे हैं। और इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर्स हैं 9.51% के करीब है। म्यूचुअल फंड्स की 38 स्कीम्स हैं और FIIs 1176 FIIs, कितने समझदार होते हैं FIIs भर रखा है लोगों ने। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस मुझे एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इसके Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैंने रिजल्ट्स आपको बता दिए हैं। और ज़बरदस्त कंपनी है और उस वीडियो का पॉपअप भी आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको मैं बताऊंगा उस वीडियो में, आप देखिए ज़रूर एक बार देखिए। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।